महाराज, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? मन तो कर रहा है कि शिक्षण तेरा सर दर्द से अलग कर दूं। गुरु शुक्राचार्य ने मुझे बताया कि तू मेरे काल का अंत करने के लिए किसी शक्ति का आह्वान कर रहा है। जो वही करना चाहता है जो तू सदैव करता आया है। मेरे मन के भय को और भी अधिक प्रबल करना चाहता है तू। उत्तर दे। वो आ गया महाराज। कौन आ गया है? महाराज, भय और उसका भाई। कौन भय? कौन उसका भाई? कौन? हाँ, मैं भय हूँ। जब भय की शक्ति द्विगुणित हो जाती है तब महाभय उसके साथ होता है। भय और महाभय जिस ओर देखते हैं, मैं मृत्यु वहां प्रलाप फैलाता हूं। भय महाभय मृत्यु। कृष्णा बोलो भ्राता, हमें कैसे याद किया? एक बड़ा ही विशेष कार्य है। असुर नरेश कंस का कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है हमें। गोकुल और वहां रहने वाले कृष्णा को नष्ट करना है हमें। हम तीनों भाई मिलकर वहां इतनी बड़ी तबाही मचाएंगे कि आने वाले वर्षों में गोकुल, भय, महाभय और मृत्यु के नाम से थर थर कांपेंगे। किसने दिया मुझे? कौन है यहाँ? लगता है मुझे भ्रम हुआ है, मेरा ही संतुलन बिगड़ गया है। ये मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे? मैं भय हूँ भय। मेरी छाया जहाँ पड़ती है वहाँ दुर्भाग्य छा जाता है। अब मैं कृष्णा के गांव गोकुल आ गया हूँ। अब यहाँ भी लोग मुझसे थर थर कांपेंगे। किसने मारा मुझे? लगता है मुझे ही वहम हो गया है। यहाँ तो कोई नहीं। कौन मुझे बार बार मार रहा है? कौन है? कौन है यहां पर? कौन है? कौन है यहां पर? देखो देखो, चारों तरफ देखो, कैसे भय का ग्रहण लग गया संपूर्ण गोकुल पर। अब देखना, गोकुल के घर में, वन में, आंगन में, जमुना के जल में, गोकुल के कण कण में, कण कण में
अब देखना यह है कि भय उस निर्भय लड़के को कैसे अपने हाथों में जकड़ता है। सबको अभय देने वाला ये कृष्णा भय से कैसे परास्त होता है। शुभ राम, हे राम, हे राम प्रभु। ये क्या हो गया? अरे कौन है? कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? अब देखना चारों ओर केवल और केवल कोलाहल ही होगा। जीव जंतु अपने आश्रय में जाकर छिप जाएंगे और सन्नाटे की काली माँ समय से पूर्व ही गोकुल के सूर्य को निगल जाएगी और तब होगा सर्वत्र भय, तब होगा प्रलय, तब होगा मृत्यु का तांडव। क्या हो रहा है? इतना भय, जाने कैसे मन में विचित्र आशंकाएं आ रही हैं। ये भय के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? किंतु मुझे जाना होगा, पता नहीं क्यों मेरी गाय मुझे आवाज दे रही है। काल समीप है, बहुत समीप, दीवार से कदम बाहर रखते ही तुझे मृत्यु अपने साथ ले जाएगी। नहीं! क्या हुआ यशोदा? जी, देखिए ये माखन काला कैसे हो गया? कान्हा, हमारी टोली का कोई मित्र यहाँ नहीं आया, पता नहीं कहाँ फंस गए। शीघ्र चलो। अच्छा, अब मैं समझा, तुम सब भूत से बचने के लिए इतनी शीघ्रता से जा रही हो। किसने कहा? हमें भूत से भय लग रहा है, हम किसी से नहीं डरते। अच्छा, यदि ऐसा है तो चलो मेरे साथ, हम स्वयं चलकर देख लेंगे कि कौन डरता है और कौन नहीं। हम क्यों जाए तुम्हारे साथ? कहीं नहीं जाना हमें, समझे? अरे जाओ जाओ, वैसे लड़कियां होती ही डरपोक हैं। मुझे देखो, मैं तो एक बालक हूँ, मैं तो किसी से नहीं डरता। अच्छा, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं। ठीक है, अभी पता चल जाएगा, चलो मेरे साथ। अरे कान्हा, कहाँ जा रहे हो? चलो ना दाऊ, हम भी तो चल के देखें। ये कौन सा भूत है जो गोकुल में चल कर आया है? कान्हा,
क्या हुआ राधा, तुम ठीक तो हो ना? वो तो तुम कह रहे थे ना कि हम सब मित्र हैं, तो हम सबको साथ चलना चाहिए। अच्छा, अभी तो तुमने कहा था कि हम दोस्त नहीं हैं। अब क्या हो गया? वो तो मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे समीप आई हूँ, किंतु तुम तो बड़े भाव खा रहे हो। ठीक है, मुझे भी तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं अकेले घर चल जाऊंगी। चलो जाओ जाओ, डर लगे तो लौट कर मत आना। हाँ हाँ, नहीं आएंगे। अच्छा, तो आज ये सब गोकुल घूमने आए हैं। कौन है ये कान्हा? भय और महाभय। भय और महाभय, अब हम इसे कैसे रोकेंगे कान्हा? कान्हा बचाओ! राधा! कान्हा, मुझे बचाओ, मुझे भय लग रहा है। डरो मत राधा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस आंखें बंद करके प्रभु का नाम लो। तुम जितना भयभीत होगी, ये उतना ही प्रबल होता जाएगा। जब भय मनुष्य पर छाता है, तो सबसे पहले उसका विवेक समाप्त कर जाता है। कृष्णा, देखो, कोई तुम्हारा नाम जपना नहीं चाहता। सब भय की ओर आ रहे हैं, सब भय की ओर आ रहे हैं। बाबा कहते हैं, जिसकी कोई सहायता नहीं करता, उसकी सहायता प्रभु करते हैं। नाम जपने में बहुत शक्ति होती है। कान्हा सही कह रहा है, इस समय हम बिल्कुल निशय हैं। जय श्री हरि, जय श्री हरि। से कहा था तुमने कि संपूर्ण गोकुल को नष्ट कर दोगे, उस कृष्ण को मार दोगे, क्या हुआ? देख रही अपना सामर्थ्य। तुमने मुझे वचन दिया है, वचनबद्ध हो तुम दोनों। अब क्या करोगे, सोचो। महाराज कंस, चिंता की कोई बात नहीं, मैं मृत्यु हूँ, मेरे प्रकोप से कोई नहीं बच सकता। मैं मारने से पहले किसी को नहीं दिखता महाराज, मैं अदृश्य हूँ, इसी रूप में मैं गोकुल में जाऊंगा और एक ही बार मैं सबको समाप्त करके आऊंगा। काना काना, देखो मैं तुम्हारे लिए माखन लाया हूँ। काना, क्या हुआ, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? दाऊ, गोकुल पर फिर एक बड़ा संकट आने वाला है। कैसा संकट कान्हा? इस बार हमारा पाला साधारण असुरों से नहीं पड़ रहा है। निर्त्री देवी के ये पुत्र बहुत ही शक्तिशाली हैं। ये दोनों असुर जहाँ भी जाते हैं, वहाँ भय और निराशा का वास होता है।
अब गोकुलवासी इनका शिकार बन रहे हैं। किंतु कान्हा, गोकुलवासी अपने मन को सशक्त कर ले तो वो दोनों असुर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो पराजित हो जाएंगे। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है कान्हा? दाऊ, मेरी चिंता इस बात से है कि हमने भय और महाभय को पराजित कर दिया है। कदाचित इस बार किसी भारी मृत्यु का आगमन हो गया है, तो क्या करेंगे हम? अर्थात मृत्यु। मृत्यु की दृष्टि जिस पर भी पड़ती है उस प्राणी का अंत निश्चित है। क्या? मृत्यु। कान्हा बलराम, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, ये चक्रवात पान की ओर बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? पापा देखिए, ये नचुस दूसरे किया है। मित्र, बांध पर दरार आ चुकी है। यदि समय रहते हमने कुछ प्रबंध नहीं किया तो बांध टूट सकता है और बांध के जल प्रवाह से समस्त गोकुल नष्ट हो जाएगा। गोकुलवासियों, जब तक परिस्थितियां पुनः हमारे अनुकूल नहीं हो जाती, हमें इसी वन में शरण लेनी होगी। कान्हा, अब समझ में आई मुझे तुम्हारी लीला। तुमने गोकुल वासियों की रक्षा हेतु उन्हें वन में पलायन करवाया। जिस वन की हमने रक्षा की थी, अब वही वन हम सभी गोकुल वासियों की रक्षा करेगा। देखा राधा, मैंने कहा था ना, जैसा तुम उस कान्हा के बारे में सोच रही हो वो वैसा नहीं है। आज उसी ने हमें यहाँ वन में आने के उपाय बताए। मैं तो कहती हूँ राधा, तुम्हें उस कान्हा से मित्रता कर लेनी चाहिए। मित्रता? और वो भी उस कान्हा से? भूलो मत राधा कि उसने तुम्हारी रक्षा भी की है। तो अब गांव में भय, महाभय और मृत्यु के स्वागत के लिए केवल हम दोनों ही उपस्थित होंगे। किंतु सब इतना सरल नहीं है दाऊ, हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा। तो प्रतीक्षा किस बात की कान्हा, चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हाँ, तुमसे मतलब, हम कहीं भी जाएं। चलो दाऊ। हो ना हो, कुछ तो अवश्य चल रहा है। मैं इन्हें यहाँ धन्यवाद करने आई थी, पर ये कान्हा है जो मेरी ओर देख ही नहीं रहा है। कहीं गोकुल जाकर माखन खाने की योजना तो नहीं है इनकी? हर स्थान खोज लिया किंतु मुझे गोकुलवासी कहीं नहीं मिले। ये अवश्य उस मायावी बालक ने ही किया है। हम यहाँ है।
बता लड़की, कहाँ है सब गोकुलवासी? बता। वो वन में है। राधा! अब क्या होगा कान्हा? समय आ गया है दाऊ, हमें इनकी माता नृति देवी का आवाहन करना होगा। मित्र, मेरी पुत्री राधा कहीं नहीं मिल रही। मैंने हर स्थान पर उसे खोज लिया। यशोदा, विष्णु और बलराम भी नहीं दिखाई दे रहे क्या? अरे कहीं उन असुरों ने हमारे बालकों को बंदी तो नहीं बना लिया? हमारे पुत्रों को कुछ नहीं होगा, हरि पर विश्वास रखो। किसका दुस्साहस है हमें रोकने का? मैंने रोका है तुम्हें। माते प्रणाम। माते, आप यहाँ? ये तो मुझे पूछना चाहिए पुत्रो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन साधारण भोले भाले मनुष्यों को क्षति पहुँचाना उचित नहीं, बंद करो ये सब। माते, मैंने मथुरा नरेश कंस को वचन दिया है, मुझे वचन निभाना होगा। तुझे मरना होगा कृष्ण। धन्यवाद माते, आज आपने यहाँ आकर अपनी संतानों को नियंत्रण में कर लिया, नहीं तो मेरे गांव वासी बिना बात के ही मारे जाते। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। जय श्री हरि। यशोदा, आकाश पुनः साफ हो गया, गोकुल पर आया संकट एक बार पुनः टल गया। तो आ रहे हमारे बालक कान्हा और बलराम तो नहीं आए, ना ही राधा आई। बाबा, दादा, देखो पुत्री तुम्हारे, क्या बाबा आ गए? तुम ठीक हो ना? क्या हुआ था तुम्हें? पता नहीं बाबा, मुझे स्मरण है कि एक असुर ने मुझे पकड़ लिया था और फिर मुझे कुछ स्मरण नहीं। हाँ काका, और जैसे ही मैंने और दाऊ ने राधा को वहाँ पर देखा, हम तुरंत इसकी सहायता के लिए वहाँ दौड़े और राधा को यहाँ ले आए।